घूमने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो दिल्ली के ओखला के इस लैब में जाइए। हमारी रिवॉक नाम से ही रिपोर्ट, कितने टाइम में रिपोर्ट चाहिए होगी? 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट सैंपल नहीं, पैसों से मिलती है मनचाही रिपोर्ट। ऑपरेशन कोरोना रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम आवाज में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया है हमारी टीम ने जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, भारत में जहां एक तरफ कोरोना से लड़ाई जो है वो इतनी भीषण हो चुकी है, तीसरी लहर दरवाजों पर खड़ी है, दूसरी लहर से लड़ाई करके हम वापस लौटे हैं, ऐसे में देश में वो दुश्मन भी मौजूद हैं जो हमारे देश में कोरोना को रोकने में हमारे खिलाफ खुद खड़े हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जहां पर 200-200 रुपए में, 200, 300, 400 रुपए में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स बांटी जाती हैं। जी हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट्स, आप फोन करिए, आप उनको रुपए ट्रांसफर करिए, विदाउट एनी सैंपल दे आर गिविंग रिपोर्ट्स, फेक कोरोना रिपोर्ट्स। क्या है पूरी स्टोरी, मिनट टू मिनट स्टोरी, कट टू कट स्टोरी, सब कुछ दिखाएंगे आपको। दरअसल आज का जो प्रोग्राम है वो एक मैसेज के हवाले से, एक मैसेज आता है हमारे पास और क्या कुछ तफ्तीश खुलती चली जाती है और किस तरीके से आवाज की टीम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और आखिरी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखना शुरू करिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ अभियान, मनचाही रिपोर्ट बांटते, आपदा में अवसर तलाशते। हमने किया अपना काम, अब पुलिस करे अपना काम। सबसे बड़े खुलासे की मिनट टू मिनट स्टोरी। 13 जुलाई दिन मंगलवार सुबह के 11:04 पर हमारी टीम के पास एक मैसेज आता है कि दिल्ली के ओखला में डाइवॉक हेल्थकेयर नाम की लैब 200 रुपए लेकर नकली कोरोना रिपोर्ट बना रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने इस खबर को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। डाइवॉक लैब देश के साथ किस तरह का धोखा कर रही है, किस तरह से कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई को कमजोर कर रही है, किस तरह से कोई भी कोरोना पॉजिटिव इस लैब से निगेटिव रिपोर्ट लेकर कहीं भी आ जा सकता है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत पर चलते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशल ब्लोअर का काल्पनिक नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 13 जुलाई को आए इस मैसेज के बाद हमें 2 कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी गई। पहले आप इन दोनों रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, जिसमें एक तरफ फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वाली लैब का नुमाइंदा कमल शर्मा है तो दूसरी तरफ विशल ब्लोअर। ये पहली रिकॉर्डिंग है, जिसके बाद हम आपको अपनी टीम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जहां पूरा सच जानकर आप हिल जाएंगे। विश्वास करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये सच है। सर, मैम मैंने पता किया अभी अपने सीनियर से। हाँ जी सर। तो वो मतलब उसने मुझे सुना दिया। ओके सर, मैम देखिए, आपने मुझे बोला था कि 300 और 350 में हम लोग करवाते हैं, अगर आप 350 भी करवाते हैं मैम तो मैं आपको 300 का रेट दे रहा हूँ। सर फिर आप लास्ट कितने के रेट दे सकते हैं, छाप के रिपोर्ट अगर देंगे तो, बिना सैंपल लिए भी? मैम देखिए, सैंपल तो लैब में जाता ही जाता है, बिकॉज मतलब थोड़ा अगर आधार आपकी डिटेल ज्यादा होगी वो चल जाएगा, बट सैंपल कुछ ना कुछ लैब में तो सबमिट करना ही पड़ेगा। ओके, फिर भी सर आप दे सकते हैं। और मैम 300 मतलब जो होगा वो लास्ट होगा मैम, इससे कम मैम? हाँ मैम, जितनी भी रेट जस्टिफाई भी तो कंपनी को हमें करना पड़ेगा ना, बस वो RT-PCR भी जा रहा है कंपनी में और डेली बेसिस से आपको पता है कि मतलब सैंपल भी लेंगे सर? हाँ मतलब अगर मैम आप सैंपल ना भी दे, मैं सैंपल खुद बना दूंगा। ओके, उसके लिए भी आपको जरूरत है, मतलब आप मुझे लैब में कुछ ना कुछ जमा करना ही पड़ेगा। ओके सर, उसके बिना रिपोर्ट रिलीज नहीं होगी, तो मैं खुद भी बना सकता हूँ अगर आप देंगे तो। सर आप अपनी लैब में करेंगे या कहीं और बाहर भेजते हैं आप? नहीं मैम, हमारी खुद की डिवॉक हेल्थ खुद में करवाते हैं, हमारी डिवॉक नाम से ही रिपोर्ट है। ओके सर, और सर पॉजिटिव में चाहिए होंगे क्योंकि ट्रैवलर हैं, रुक जाएंगे? नहीं मैम, उसकी आप टेंशन वो सारा मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस सैंपल देना स्टार्ट कीजिए। और आपको कितने टाइमिंग में रिपोर्ट चाहिए? हाँ जी,
कितने टाइम में रिपोर्ट चाहिए होगी सर? 4 घंटे में, 4 से 6। ठीक है आपको, हाँ मतलब 4 से 6 घंटा जो होगा वो लास्ट होगा, मतलब आपकी 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी पोर्टल पे। बट मैम मुझे उसके लिए ना आधार, हाँ मैम CR पार्क में है हमारी लैब और एक गाजियाबाद में। ओके सर, ओके। हाँ द्वारका से सैंपल आते हैं हमारे डेली, और CR और एक हॉस्पिटल है मैम हमारा वसंत विहार में, और एक गाजियाबाद संजय नगर में नर्सिंग होम है। ओके सर। सर मैंने ना आपका उस दिन नंबर सेव नहीं किया था, आपका नाम बता देंगे दोबारा, मैं नंबर सेव कर लूंगी। मैम मेरा नाम कमल है। कमल? हाँ सर। पूरा नाम आपका? कमल शर्मा। ओके सर, ओके। तो मैम आज ही से चालू कर रहे हैं ना? हाँ जी सर, एक बार मैं भी अपने सीनियर से बात कर लेती, फिर मैं आपको कॉल बैक करते हुए थोड़ी देर में, 10 मिनट में। हेलो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। पहली रिकॉर्डिंग में फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने को लेकर बातचीत की गई थी, वहीं दूसरी रिकॉर्डिंग में कमल शर्मा नाम का शख्स बिना सैंपल लिए ₹200 में फेक कोरोना रिपोर्ट देने के लिए राजी हो जाता है, वो भी 5 से 6 घंटे के अंदर। हाँ मैम बताइए। सर वो ना मैंने मैम से अपनी बात की थी। ओके। तो वो मैम ना एक बार मैंने उन्हें सब बता दिया है, आप एक बार मैम से बात कर लीजिए, मैम बात करना चाहती थी आपसे, कोई फिर मीटिंग के लिए फिक्स करूंगी। श्योर मैम, श्योर, प्लीज। ओके। हेलो। हेलो। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। मैम मॉर्निंग, कैसे हो आप? भैया बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं भी अच्छा। अच्छा भैया, डिटेल्स ले रही हूँ, आप ना मुझे बता देना। हाँ मैम। ठीक है, मैं डिटेल्स ले रही हूँ, आप बताना मुझे। ठीक है मैम। ठीक है, आपका नाम? मैं डॉक्टर स्मृति बोल रही हूँ। हाँ मैम, मैं आप पहचान रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे वो ना एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ मैं ना डिटेल से फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना हम अपने ट्रैवलर्स का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आप अपना नाम बता दो जिनसे भी मेरी बात हो रही है। मैम मेरा नाम कमल है। ठीक है, कमल नाम है आपका? हाँ जी मैम। फुल नेम कमल? कमल शर्मा। MOU कर रही हूँ मैं। ठीक है। ठीक है मैम, MOU साइन हो गया। ठीक है, मैं टाइप कर रही हूँ, आप बताते रहना। आपका नाम कमल शर्मा? हाँ जी मैम। और 50 सैंपल पर डे देंगे हम, ठीक है? आप 50 से अबव मैम? हाँ जी, हाँ जी, 50 से अबव देंगे, मिनिमम 50 देंगे। ओके मैम। ठीक है, और आपके लैब का नाम जहाँ से आप टेस्ट करके देंगे हमें? मैम डिवोक हेल्थ। डिवोक हेल्थ। और रेट क्या देंगे? मैम रेट आपने 200 भी बता दिया, हम तो 250 कह रहे थे। भैया देखो 200 पर पर्सन, ठीक है? ठीक है, 200 पर पर्सन हो गया है। रिपोर्टिंग टाइम कितने देर में दे दोगे रिपोर्टिंग? मैम रिपोर्टिंग टाइम हमारा रहेगा मैम अराउंड 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स? भैया जिन पर लड़की ने बताया 4 to 5 आवर्स में दे दोगे? मैम एक सेफ साइड लेके अगर हम चलेंगे तो 6 to 7 आवर्स में, तो उससे लेट आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। भैया जल्दी चाहिए होगी तो, जैसे बंदे नहीं आप पहुँचे तो आप बोल रहे थे ना सैंपल बिना करे दे दूंगा। हाँ मैम वो मैं मैनेज करवा दूंगा। ठीक है ठीक है, ये हो गया। और भैया एक भी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, ट्रैवलर रुक जाएंगे फिर हमारे। हाँ मैम आप प्रॉब्लम नहीं आएगी पक्का ना भैया? MOU साइन करना है फिर इसलिए। हाँ हाँ मैम प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ कभी कभी ना एक या दो लोग सैंपल नहीं दे पाएंगे तो हो जाएगा ना वो काम जो आप बोले थे? हाँ हाँ मैम वो मैनेज कर लें। ठीक है, ठीक है, डिटेल्स ले ली। अब मैं आपको कल से MOU साइन कर देंगे, बना देंगे, और परसों से आपको सैंपल देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके।
और मैं भी कल शाम को या परसों सुबह आपके साथ तो मीटिंग कर लूंगी। श्योर मैम, आप प्लीज मुझे टाइम बता देना। हाँ मैं और राधिका जी से बोल दूंगी, तो आपको भेज दूंगी डिटेल्स वगैरह। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप मेल आईडी कर देना एक बार जी, बता दो या तो। हेलो, हाँ मैम, मेरी मेल आईडी मैम kamal@divok.health। भैया लैब की बताओ ना, लैब से बात करनी होगी। हाँ मैम, लैब की है ना। हाँ हाँ मैम, मेरी पर्सनल है बट डिवॉक के नाम से। ठीक है ठीक है, kamal@divok.health। ठीक है मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया। तो अभी तक आपने वो कहानी सुनी जहां पर विशाल ग्रोवर ने हमको बताया कि किस तरीके से दिल्ली के ओखला में एक लैब है जो फेक कोरोना रिपोर्ट्स बांट रही है। उसके बाद हम लोगों ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया, और किस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ी, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशंस एसआईटी टीम ने हमारी करके दी हैं, आवाज की टीम ने बहुत भरपूर तरीके से दिन रात लगकर इस पर काम किया, और क्या कुछ निकलकर सामने आया यह आपको चौंका देगा, सिस्टम को चौंका देगा, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय को चौंका देगा, शासन प्रशासन के लिए यह शर्म की बात होगी। लेकिन क्या कुछ आगे रिपोर्ट्स हैं, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। आवाज की टीम ने इस डाइवोक लैब में कॉल किया जहां हमको आधार कार्ड भेजने के लिए कहा गया। हमने अपनी टीम के चार सदस्यों के आधार कार्ड कमल शर्मा नाम के शख्स को भेजे। चार लोगों की निगेटिव कोरोना रिपोर्ट देने के लिए कमल शर्मा ने हमसे 1200 रुपए की मांग की, जो कि हमारे टीम के द्वारा पेटीएम के जरिए दिए गए। 2:40 पर पेमेंट किया गया, और शाम के 6 तक हमको बिना किसी सैंपल जांच, बिना किसी कॉल वेरिफिकेशन के रिपोर्ट भेज दी गई। मतलब आधार कार्ड और 300 रुपए प्रति व्यक्ति हमसे लिए गए। जहां विशाल ग्रोवर से 200 रुपए में डील डन हुई थी, वहीं डाइवोक लैब के कमल शर्मा ने हमसे 300 रुपए प्रति शख्स कुल 1200 रुपए लिए। हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जांच की कोई तो प्रक्रिया होगी, लेकिन सिर्फ पैसा देकर नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट मिल सकती है, ऐसा हमने नहीं सोचा था। शासन प्रशासन के लिए यह शर्म की बात है कि हमारे देश में यह सब कुछ खुलेआम चल रहा है, और हम कोरोना से लड़ाई को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। कोरोना को काबू करने के लिए हम नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट की मांग आने जाने को लेकर करते हैं, लेकिन क्या हो जब आपको मालूम हो कि कोरोना पॉजिटिव शख्स भी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहा है। वो ना सिर्फ अपने साथ आने जाने वाले लोगों के लिए खतरा है, बल्कि राज्यों के जारी आंकड़ों पर भी सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, सिर्फ कही कहाई बातों पर, सिर्फ रूमर्स पर, फेक न्यूज पर, अफवाहों पर हमारी टीम काम नहीं करती। तो ऐसे में जब एक विसल ब्लोअर एक कहानी लेकर हमारे सामने आए, जब उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से दिल्ली के ओखला में फेक कोरोना रिपोर्ट्स बांटी जा रही, तो ऐसे में हम लोगों ने पूरा वेरिफिकेशन किया और हम लोग खुद उसमें शामिल हुए। हम लोगों ने खुद ये जो काम पूरा चल रहा था इसमें खुद एक कस्टमर के तौर पर उनको फोन किया और उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद हमने कहा कि हमको भी कोरोना रिपोर्ट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हमसे 300 रुपए पर पर्सन की डिमांड की, और हमने वो डिमांड उनकी पूरी की, और उन्होंने महज 4 के अंदर विदाउट टेकिंग एनी सैंपल दे हैव गिवन अ रिपोर्ट्स, द फेक कोरोना रिपोर्ट्स। तो ये था आज का प्रोग्राम, जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, सरकारों की नाक के नीचे कोरोना रिपोर्ट्स बांटी जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है। यहाँ पर सैंपल नहीं चलता, यहाँ पर पेटीएम कैश चलता है, यहाँ पर सैंपल नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ रुपया चलता है।
₹300 दीजिए और फेक नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट्स लीजिए, और इन नेगेटिव रिपोर्ट्स को लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, इन नेगेटिव रिपोर्ट्स को लेकर आप देश के किसी भी कोने में जाइए, घूमिए फिरिए, जो आपको करना हो करिए। लेकिन एक सवाल, ऐसे में ये जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है इसको तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, यहीं पर ठहर कर रह जाएंगे। मेरी मांग है, हमने मीडिया के नाते अपना काम पूरा किया, अब दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो अपना काम पूरा करे और ये जो लैब है, डिवॉक लैब है, इसमें जाकर गिरफ्तारियां करें और ऐसे लोगों को रोकें जो देश में कोरोना से जो हमारी जंग है उसमें खुद हमारे सामने हमारे खिलाफ खड़े हैं और देश के लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर करे हुए हैं। और बाकी एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ अंधेरा है, जहाँ क्षमा की ज़रूरत है, वहाँ आवाज़ की टीम हमेशा क्षमा जलाने की कोशिश करती रहेगी। धन्यवाद।